आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। अगर हम बात करें अहोई अष्टमी की, तो इस बार जो अहोई अष्टमी आ रही है वो बहुत सारी खूबसूरत मूर्तें लेके आ रही है, और मैं किसी भी हाल में नहीं चाहूँगी कि आपके हाथ से ये खूबसूरत योगी निकल जाए। करवा चौथ के ठीक 3 दिन बाद जो व्रत रखा जाता है उसे अहोई अष्टमी कहते हैं। अहोई माँ जो है वो माँ पार्वती का ही एक रूप है, और माँ पार्वती का जो ये रूप हमें पूजा करती है, ये व्रत औलाद के लिए रखा जाता है। तारों को देख के व्रत खोला जाता है। कई लोग 7 तारों को देख के व्रत खोल जाते हैं, लेकिन इस व्रत के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि हर किसी के घर में, हर किसी के यहाँ ये व्रत अलग अलग तरीके से रखा गया है। कोई निर्जला रखता है, तो कोई थोड़ा फलहार पर रखता है। इसमें जो है गेरू से माँ पार्वती की फ़ोटो बनाई जाती है, और पार्वती के पोस्टर भी बाजार में आते हैं, उसमें गन्ना जरूर रखा जाता है। इनमें अनार जरूर रखा जाता है, इसके अंदर सिंघाड़े जरूर रखे जाते हैं। सब जगहों पर अलग अलग होती है। मीठे पोए रखे जाते हैं, कलश भरा जाता है, बच्चों को देखकर, तारों को देख के व्रत खोला जाता है। निर्जल व्रत रखा जाता है, गले में चांदी का एक हार पहना जाता है, जिसमें बच्चे की उम्र जितनी हो उतने दो दो उसके अंदर चांदी के लड्डू डलवाए जाते हैं, हर बार डलवाए जाते हैं। और अगर आपके 4 बच्चे हैं मतलब 4-4, और अगर आपके 2 बच्चे हैं मतलब आपके को 2 डलवाने हैं, उतने हिसाब से डलवाओ। इस बार 24 अक्टूबर को गुरु पुष्य नक्षत्र के साथ अहोई अष्टमी का व्रत आ रहा है, और ये कोई छोटा मोटा व्रत नहीं है। अगर आप व्रत नहीं भी रख पाते हैं तो बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो मैं अपने शॉर्ट्स में आपको बताऊंगी जो आप कर सकते हैं। मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जो व्रत है वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खुशियों को लेकर आ रहा है। आप जो इसमें 8 दीपक जलाते हैं, घी के दीपक जलाते हैं, अहोई माँ के सामने जरूर ये 8 दीपक जलाएं। शाम के टाइम दीपक जलाते हैं। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो अहोई माँ की पूजा जरूर करें। इस दिन आप गुरु पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है, और दिवाली से पहला गुरु पुष्य नक्षत्र है। सोना चांदी तांबा पीतल या माँ की पूजा का सामान या जो भी आप दिवाली में शॉपिंग करना चाहते हैं इस दिन आप ज़रूर कर सकते हैं, और माँ का आशीर्वाद पा सकते हैं। तो मैं आप सबसे यही विनती करूँगी कि आप ज़रूर ये व्रत करें, ना भी हो पाए तो अहोई माँ का आप ज़रूर पूजा करें। जय माता दी।